नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं लकड़ी पे पॉलिश करना सबसे आसान तरीका। सबसे पहले हमें 80 नंबर पेपर से इसकी अच्छे से घिसाई करनी है। हमें लकड़ी की घिसाई 80 नंबर से इसलिए करनी चाहिए उसकी सारी रगें कट जाए और अच्छे से उसके रेशे बाहर आ जाए। हमने अब सारी खिड़कियाँ घिस ली है, देखिए सारी को 80 नंबर रेजमाल से अच्छी तरह से घिस लिया है। अब हमें इसकी अच्छे से पैकिंग करनी है, जो भी कांच और जाली है जो हमारे ख़राब नहीं हुए, अच्छे से अखबार से इसकी टेपिंग करनी है। देखिए हम आपको तरीका बताते हैं पैकिंग करने का। हमें अच्छे से पैकिंग करनी है, जहाँ हमें पॉलिश नहीं करनी है वहाँ वहाँ हमें अच्छे से पैकिंग कर लेनी है। हमें सारी खिड़कियों को अच्छे से पैक कर लिया है, फिर हमें अस्तर लगाना है। जो भी हमें कलर की पॉलिश करनी है, चाहे आप ब्राउन करो चाहे नेचुरल करो, हमें इस पर नेचुरल करना है। हम इस पर नेचुरल का अस्तर लगाएंगे। आपको अस्तर लगाने दिखाते हैं कैसे लगाते हैं। इसको पहले आप कपड़े की या इसको ब्रश की सहायता दोनों किसी से लगा सकते हैं। मैं कपड़े से, मेरे को इजी लगता है, हम कपड़े से लगा रहे हैं। फिर इसको अच्छे से सूखे कपड़े और साफ कपड़े से इसको हल्के हाथ से सफ़ा कर ले, जिससे इसे रेशे सारे अच्छे से नज़र आए। पूरी खिड़की पे हमें पहले अस्तर लगाना अच्छे से। हमने सारी खिड़कियों पर अस्तर लगा लिया है। ये अस्तर ये फेविकोल के पानी और राव सेना से बनता है। हमने इसमें राव सेना ओसवाल कंपनी का यूज में लिया है, आप अदर कंपनी का भी यूज में ले सकते हैं। हम अब इसके बाद में इस पे पहला कोट मेलामिन सीलर का करेंगे, जो कि हमने एशियन का यूज में लिया है, और आप चाहे जो यूज में ले सकते हैं। और इसके साथ में हमें हार्डनर मिक्स करना होता है और थिनर मिक्स करना होता है। इसमें हमने 1 लीटर में 100 ग्राम हार्डनर मिक्स करना होता है और 300 ग्राम थिनर मिक्स करना होता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद में हमें इसमें स्प्रे की सहायता से ही पॉलिश करनी है। हमने फर्स्ट कोट सीलर का चढ़ाया है, मेलामिन सीलर। फिर हमें इसको 6 से 7 घंटे अच्छे से सुखाना है। हमें 2 कोट सीलर के करने हैं इस पे, और सबको अच्छे तरीके से सुखा दिया हमने। फिर हमें इस खिड़की में जितने भी क्रैक और गड्ढे हैं उसको अच्छे से फिलिप करना है। आप चाहे तो मार्केट से क्रैक फिलर भी ला सकते हैं, और आप इसको राव सेना और फेविकोल के सहायता से भी अच्छे से बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके उसके बाद में आपको इसमें 320 पेपर से अच्छे से इसकी कटाई करनी है। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, हम कर रहे हैं 320 नंबर के पेपर से इसकी कटाई कर रहे हैं। वैसे भर दी इसकी बोटिन, उसके बाद में ये कटाई चालू हो गई। इसके बाद का प्रोसेस बहुत ही शानदार दोस्तों। वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो पूरी आप देखोगे बिना स्किप किए तो आपको ये वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी दोस्तों। हमारी सारी खिड़कियों की कटाई हो गई है, हमें अब इसको अच्छे से सफ़ा करना है, और अब मेलामिन ग्लॉसी चलना है। फाइनल कोट मेलामिन ग्लॉसी का करना है। इसमें भी इसका हार्डनर मिक्स करना है और 300 ग्राम थिनर मिक्स करना है, जो कि हमने एशियन का काम में लिया है इसमें मेलामिन, और वंदना कंपनी का इसमें थिनर काम में लिया, आप अदर कंपनी का भी यूज में ले सकते हैं। ये भी हमें स्प्रे की सहायता से करना है। इसको करते समय ऐसी जगह करें जहाँ की डस्ट वस्ट ना आए, बिल्कुल साफ जगह रहे, क्योंकि अगर खिड़की पे डस्ट लग गई तो खिड़की ख़राब हो जाएगी। ये हमारा फाइनल कोट है, इसको 4 या 5 घंटे सूखने दें। सूखने के बाद में हमारी ये खिड़की तैयार है। अब हम इनकी जो भी पैकिंग हमने पहले की थी उसको अच्छे से वापस इसको कटिंग करके और अच्छे से इसकी कांच की सफाई करेंगे। मेलामिन पॉलिश करने का ये सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। और पेंटिंग संबंधित किसी भी समस्या का समाधान एडवाइस बिल्कुल फ्री है, आप कभी भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन करके ज़रूर पूछ सकते हैं दोस्तों, और कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं सामने स्क्रीन पर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।
और घंटी वाले बटन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि दोस्तों हम कई ऐसे नई नई वीडियो लाते रहते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। मिलेंगे दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।